नमस्कार, मैं पूजा राणा। मेरे अपने इस चैनल सुरभि आयुर्वेदा में मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आती रहती हूँ। तो आज का टॉपिक है हमारा लू से बचाव के उपाय। इससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अब हम जानते हैं लू से बचाव के उपाय। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लू क्या है या लू क्या होती है। लू एक तरह की गर्म हवा होती है। जब गर्मी का मौसम आता है तो सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती है, जिससे तापमान बहुत अधिक हो जाता है। उत्तरी भारत में उत्तर से पूर्व और पश्चिम से पूर्व दिशा में आने वाली धूल भरी प्रचंड उष्म तथा शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। इस तरह की हवा मई तथा जून में चलती है। तो अब हम जानते हैं लू से बचने के उपाय। फर्स्ट है, धूप में निकलते वक्त छाते का इस्तेमाल करें और सिर ढककर धूप में निकलने से भी लू से बचा जा सकता है। सेकेंड है, घर से पानी या ठंडा शरबत पीकर बाहर निकले, जैसे आम पना सिकंजी ज़्यादा फायदेमंद है। थर्ड है, तेज धूप से आते ही और ज़्यादा पसीना आने पर तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। फोर्थ है, पानी में नींबू और नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार पीते रहने से लू लगने का खतरा कम रहता है। फिफ्थ है, धूप में बाहर जाते वक्त खाली पेट नहीं जाना चाहिए। सिक्स्थ है, सब्जियों के सूप का सेवन करने से भी लू से बचा जा सकता है। सेवन्थ है, गर्मी के दिनों में हल्का भोजन करना चाहिए और भोजन में दही, छाछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें शामिल करना चाहिए। एट्थ है, धूप में निकलने से पहले नाखून पर प्याज का रस घिस कर लगाने से लू नहीं लगती है। नाइन्थ है, धूप में बाहर निकलते वक्त अगर आप अपने पॉकेट में छोटा प्याज रखें तो यह लू शरीर को लगने नहीं देता है और सारी गर्मी खुद सोख लेता है। टेंथ है, गर्मी के मौसम में खाने के बाद गुड़ खाने से भी लू लगने का डर कम होता है।